किसान भाइयों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें जो जानकारी दी जाएगी उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये बरसात का मौसम है, इस मौसम में तमाम तरह के जो संक्रमण हैं वो फलते फूलते हैं और ख़ास तौर से यदि दुधारू पशुओं की बात की जाए तो उनमें लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है और ये खतरनाक भी कह सकते हैं, थनैला रोग, जिसे स्तन शोथ भी हम कहते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत हम करेंगे। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर वशिष्ठ, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि थनैला रोग आखिर है क्या? देखिए, थनैला का मतलब है कि जो स्तन है, पशु के स्तन है, उसमें इंफ्लामेशन हो जाना, उसमें सूजन हो जाना। मोटे तौर पर अलग अलग जैसे चार थन होते हैं, तो अगर एक थन में सूजन है या फिर उससे ज्यादा थनों में सूजन है तो थनैला की श्रेणी में आएगा। और जो थनैला जिस पशु में होता है उसके थनों में स्वेलिंग आ जाएगी, वो थन जो है रेड हो जाएंगे, लाल दिखाई देंगे, पशु को उसमें दर्द होगा, पशु जब चलेगा, उठेगा, बैठेगा तो उसको दर्द होगा, तो उसको लंगड़ापन भी आ सकता है, क्योंकि पैर थनों से टकराते हैं तो उसको लंगड़ा के चलना पड़ता है। साथ में दूध का जो स्ट्रक्चर है, दूध की जो बनावट है, उसमें बदलाव आ सकता है, दूध की जगह पानी आ सकता है या फिर उसके अंदर फ्लेक्स आ सकते हैं, छीछड़े आ सकते हैं, दूध में खून आ सकता है, पशु खाना पीना छोड़ सकता है, पशु जो है उसके साथ बहुत सारी और भी चीजें वो आपको इसमें दिखाई दे सकती हैं। तो मोटे तौर पे थनेला जो है वो थन में सूजन और थन से संबंधित जितने भी लक्षण मैंने बताए हैं वो इसमें आपको दिखाई देंगे। जी, तो इस रोग की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर पशु को जब आप थन देखेंगे तो हो सकता है कि वो लाल दिखाई दे, और दूध के अंदर जो दूध की बनावट है उसमें जो है अगर बदलाव आपको दिखता है, दूध में खून आता है या छींचड़े आते हैं, तो एक मोटे तौर पे हम जो है थनैला की पहचान कर लेते हैं। लेकिन कुछ थनैला अलक्षणिक भी होते हैं जिसमें कि हमें किसी भी तरह का लक्षण नहीं दिखाई देता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संपूर्ण भारत में जितना भी थनैला रोग मिलता है, लगभग 95% जो थनैला रोग होता है वो अलक्षणिक होता है, इसमें आपको किसी भी तरह का लक्षण दिखाई नहीं देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर थनैला हमारे पशु में है और वो हमको दिख नहीं रहा है तो पशुपालक को यह समझ में नहीं आता है कि मेरे पशु का दूध वो कम क्यों हो रहा है। मेरे पशु का दूध कम होने से निश्चित रूप से उसकी जो इकोनॉमी है, आर्थिक रूप से उसको भी नुकसान होता है। तो हमें उस रोग की, अलक्षणिक रोग की भी पहचान करनी आनी चाहिए जी। उसको पहचान करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। एक बहुत साधारण तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको अगर आप ध्यान से सुने, एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे पशु में थनैला होने वाला तो नहीं है, या फिर थनैला की जो मात्रा है, जो इन्फेक्शन की मात्रा है, वो अभी शुरू तो नहीं हुई है। तो इस प्रकार से हम जो सूजन वाला, खून वाला और छींचड़े वाला जो थनैला होता है, उससे पहले की जो स्टेज होती है हम उसकी पहचान कर लेते हैं, जिसको अलक्षणिक थनैला बोलते हैं। डॉक्टर वशिष्ठ, हम कह सकते हैं कि इसके दुष्प्रभाव भी हैं, इस बीमारी का अपना अलग ही महत्व है और दुष्प्रभाव किसान की जो आर्थिकी है उस पर पड़ सकता है, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो थनैला है उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अलक्षणिक मेस्टाइटिस के केस में, थनैला के केस में पशुपालक को पता ही नहीं लगता है कि उसका जो पशु का दुग्ध उत्पादन है वो कम होता जाता है और वो थनैला की ओर अग्रसर होता जाता है। तो ऐसी स्थिति में दूध का एक बहुत बड़ी मात्रा जो उसको प्राप्त हो सकती थी वो नहीं मिलती है, जिससे वो मार्केट में उसको सेल नहीं कर सकता है और आने वाले समय में उसकी जो आर्थिकी है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जो श्वेत क्रांति की सफलता में एक बहुत बड़ा बाधक हो सकता है ये? निश्चित रूप से थनैला एक बहुत बड़ी समस्या है और काफी पशुपालक हैं जिनको इनकी जानकारी है, लेकिन ज्यादातर जो पशुपालक हैं उनको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। खासतौर से वो तभी सचेत होते हैं जब थनों में लक्षण आ जाते हैं, अलक्षणिक थनैला की तरफ इसका ध्यान नहीं जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे भारत वर्ष में लगभग 1390 गाय पर ईयर वो क्लिनिकल मेस्टाइटिस से जो है उनको डेयरी में नुकसान होता है। लगभग 6,000 करोड़ पर ईयर इतने रुपए का नुकसान डेयरी इंडस्ट्री को होता है, पशुपालकों को होता है। डॉक्टर वशिष्ठ, ये दुधारू पशुओं को लगने वाला रोग है और सामान्यतः हम गाय और बकरी या सुअर की बात करें, भैंस की बात करें, लेकिन सभी पशुओं में ये बीमारी पाई जाती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसके
प्रमुख कारण क्या है? ये एक कोशिकीय जीव से होने वाला रोग है प्रोटोजोअन? देखिए, थनेला रोग मुख्यतः बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, मतलब जीवाणु की वजह से होता है। जीवाणु निश्चित रूप से वो एक कोशिकीय एक ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। होने को ये बीमारी विषाणु से भी होती है, ये बीमारी फफूंद से मतलब फंगस से भी होती है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि अगर किसी पशु को चोट लग जाती है थनों में तो उसकी वजह से थनेला हो सकता है, या फिर किसी टॉक्सिसिटी हो जाए, कोई विषाक्तता हो जाए, उसकी वजह से भी थनेला होने की संभावना होती है। तो क्या मौसम की प्रतिकूलता भी इस रोग को बढ़ा सकती है? निश्चित रूप से, खासतौर से बरसात और जो हमारा गर्मियों के सीजन है, गर्मियों के सीजन में आप देखते हैं कि बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती है आमतौर पर, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो। ऐसी स्थिति में मॉइस्चर लेवल बहुत बढ़ जाता है, और बरसात के पानी की इकट्ठा होने की वजह से जो डेयरी है या जहां पर आप पशु को रखते हैं उसका जो सोने का जगह है, बेडिंग है, वहां पर जो है बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, और उनकी ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से जो टीथ होता है, जो थन का टीथ होता है, थन का जो जहां से दूध निकालते हैं वहां पर जो है वो छेद के रास्ते से बैक्टीरिया वो थनों में जा सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी बढ़ जाती हैं बरसात में, जिनके इन्फेक्शन की वजह से जो रोग है वो थनों तक पहुंच जाता है, और इस प्रकार से पशु को थनेला हो जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दुग्ध नलिकाओं में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, और ये सब इसके पीछे एक बड़ा कारण है। डॉक्टर वशिष्ठ, हमें बताएं कि समय से यदि थनेला रोग की जानकारी ना हो पाए तो ये बहुत मुश्किल में डालने वाली बीमारी आपने बताई, तो समय से इसकी पहचान करना क्यों जरूरी है? क्या एक बार लक्षण आ जाएं तो इलाज इतना आसान नहीं रहता? देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा इस संबंध में कि जो थनेला है वो तीन प्रकार का होता है। एक थनेला वो होता है जो अलक्षणिक है, जैसा कि मैंने बताया कि 95% जो थनेला है वो इस प्रकार का होता है। इस समय अगर हम थनेला को डिटेक्ट कर ले या थनेला को जान ले कि पशु में थनेला है, तो ऐसी स्थिति में हम पशु को जो थनेला होने वाला है, जिसकी वजह से उसको बहुत भारी नुकसान होने वाला है, दूध खत्म होने वाला है, दूध की जो मात्रा है वो कम होने वाली है, उसको हम रोक सकते हैं। एक बार क्लिनिकल थनेला हो गया, लक्षणिक थनेला हो गया, तो उस स्थिति में पशु को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, थन खराब होने की संभावना होती है, पशुपालक को दूध नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलेगा तो जो है उसका विक्रय नहीं कर पाएगा, और उसकी जो आर्थिकी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यदि कई बार पशुपालक यह देख भी रहा है कि थन में प्रॉब्लम आ गई है और उसको लक्षणिक थनेला दिख रहा है, उसके बावजूद भी वो इंतजार करता है कि शायद अपने आप ठीक हो जाए या किसी घरेलू उपचार से वो ठीक हो जाए, दिन बीतते जाते हैं, 2-4 दिन, और कई बार ऐसा होता है कि 7-8 दिन के बाद जब ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है तब वो पशु चिकित्सक तक पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में जो थनेला होता है वो क्रॉनिक थनेला में बदल जाता है, और ठीक थनेला का मतलब ये है कि वहां पर थन में जहां दूध बनने की जगह होती है, दूध बनने की ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां खत्म हो जाती हैं और वहां पर फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब कि गांठें बन जाती हैं, और ऐसी परिस्थिति में थनेला का कोई भी इलाज नहीं हो पाता है, कोई इलाज होता भी नहीं है। इस परिस्थिति में पशुपालक का जो पशु है वो हमेशा के लिए खराब हो जाता है, क्योंकि वो दूध नहीं देने वाला पशु बन जाता है, उसके थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं, तो एक परमानेंट डैमेज, परमानेंट एक विकृति वो पशु में आ जाती है। तो इस प्रकार से समय से अगर थनेला रोग की हम पहचान कर लें तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आ पाती हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि थनेला रोग होने पर क्या करें, क्या कोई टीका है इसका? देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि हम अपने पशु में थनेला होने ही ना दें, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। हमने एक बात बोली कि जीवाणु इसका मुख्य कारण है, कम से कम 50 से ज्यादा वैरायटी है जीवाणु की जिसके कारण से थनेला होता है, लेकिन इसमें ऐसी अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन या टीका नहीं बन पाया है कि हम उस वैक्सीन को लगा दें, टीके को लगा दें और हमारे पशु को थनेला ना हो। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हम पशु को इस प्रकार से रखें, उसका प्रबंधन इस प्रकार से करें कि उसकी आसपास का जो एरिया है, स्थान है उसके रहने का, वहां पर साफ सफाई रखें, वहां पर समय समय पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का छिड़काव करते रहें, दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद थनों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छे से साफ करें, बर्तनों को साफ रखें जिसमें दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालने से पहले हाथों को अच्छे से साफ करें, हाथों में भी इंफेक्शन होता है। कई बार किसी मनुष्य को मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस का इंफेक्शन है, टीबी का
इन्फेक्शन है। तो जब वह मनुष्य दूध निकालता है तो वो इन्फेक्शन गायों में भी होने की संभावना हो जाती है, और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो गाय को भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थनैला हो जाता है। तो जब वो पशु दूध देगा तो उसके अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, जो मनुष्य आसपास के जितने भी लोग हैं जो उसका सेवन करेंगे उनको समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार प्रबंधन ही इसका उत्तम उपाय है। इसके अलावा कुछ पशु जिनमें थनैला की शिकायत बार बार होती है, जैसे कि कुछ पशु जो ज्यादा दूध देते हैं, दूध एक जीवाणु के लिए बहुत ही अच्छा मीडियम है, वहां पर बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करता है, वृद्धि करता है अपनी, तो ऐसी स्थिति में दूध की मात्रा पूरी तरह से निकाल लेनी चाहिए। दूध निकालते समय ये भी ध्यान रखना है कि दूध की मात्रा वो थनों में ना रह जाए, यदि वो रह जाएगी तो वहां पर जीवाणु पनपेगा और उसको थनैला रोग से ग्रसित करेगा। ऐसी बहुत सारी दवाइयां बाजार में उपलब्ध हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं, एक दवा आती है इम्यूनिटी के नाम से, इम्यूनिटी एक प्रकार का पाउडर है। यदि हम प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में 20 दिन तक लगातार 25 ग्राम रोज इसको खिलाएंगे तो लगभग लगभग साल भर के लिए थनैला रोग होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। समय समय पे थनों की साफ सफाई, अपनी साफ सफाई वो जरूरी है, और यदि थनैला हो जाए तो उसका इलाज निश्चित रूप से तुरंत पशु चिकित्सक से जाके करा लें, ताकि अन्य जो थन है उनका भी बचाव हम कर सके, और जो दूसरे पशु हैं जिनमें बीमारी फैल सकती है उनका भी बचाव हम कर सके। डॉक्टर वशिष्ठ, आपने कहा कि जो उनके आवास है उसको स्वच्छ रखना है, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की बात आपने की, फिनाइल से भी सफाई करते रहें जो उनके आवास स्थल है, गौशाला है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जो फर्श है, दीवारें हैं, वो फिनाइल से हम साफ कर सकते हैं, लेकिन फिनाइल का प्रयोग थनों की सफाई के लिए या बर्तनों की सफाई के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि फिनाइल में एक गंध होती है, फिनाइल की गंध दूध में भी आ सकती है और वो जो पशु की त्वचा है उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, लाल दवा का 1% से लेकर 3% तक का सॉल्यूशन, मतलब 1 ग्राम हम 100 ml पानी में अगर घोल लेंगे तो 1% सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है। ऐसे ही 3 ग्राम अगर हम 100 ml पानी में अगर घोल लेंगे तो 3% सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो बनाकर किसी बर्तन में रखकर हम जो टीथ हैं, जो जहां पर दूध निकालते हैं, उसमें डुबा के रखें करीबन आधा मिनट तक, तो उससे जो आसपास बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और थनैला से हम काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। बर्तनों की सफाई भी इनसे कर सकते हैं, आसपास के जो स्थान हैं उन पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार से स्वच्छ रखकर थनैला से बचाव किया जा सकता है। तो डॉक्टर वशिष्ठ, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थनैला रोग यदि क्रोनिक में तब्दील हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं रहता, इसलिए समय रहते थनैला का इलाज कर देना चाहिए। जिस दिन आपको लगे कि थनैला रोग आपके पशु में आ गया है, उसी दिन आप पशु चिकित्सक से सलाह लें, उसी दिन उसका इलाज करा लें, अन्यथा थन खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो रेजिस्टेंट है, मतलब कि उनके ऊपर दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में थनैला रोग को अगर छोड़ दिया जाएगा, उसका इलाज समय से नहीं करेंगे तो हमारा पशु वो खराब हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि समय रहते थनैला का इलाज कराइए, और जो क्लिनिकल मेस्टाइटिस के केसेस हैं, अलक्षणिक मेस्टाइटिस जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, उस पर गौर करने की जरूरत है। यदि आप उसका समय समय पर इलाज करते रहें या उसके लक्षणों को पहचान लें, या कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट जो मात्र 350 रुपए में जिसकी मशीन उपलब्ध है, यदि आप उसका प्रयोग करते रहें तो आपके पशु में थनैला रोग कभी नहीं होगा, और हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, वहां पर दूध की गंगा बह सकती है। डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।